मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको मेरी प्रेम भरी बधाई। जीसस मीट्स यूट्यूब फैमिलीज और हमारे जीपीएस रॉबिन्सन फेसबुक में जितने परिवार हैं, आप सभी लोगों के साथ मैं हर दिन मिल रहा हूं, परमेश्वर के वचन को आपको दे रहा हूं, परमेश्वर में आपको चला रहा हूं। आज के दिन जो सौभाग्य परमेश्वर ने दिया है उसकी महिमा करता हूं, परमेश्वर की महिमा करता हूं। आज के दिन आप सभी लोगों को एक परिवार के रूप में देखने मुझे बहुत बड़ा आनंद होता है। इस स्मिथ परिवार में आप भी जो है हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। हमारे निर्बलताओं में जब बहुत बड़ी मुश्किलें आ जाती हैं और सेविकाई में जब बहुत बड़े उपद्रव आ जाते हैं, आपके प्रार्थनाओं को बहुत महसूस करता हूं। आखिरी दिन के जागरण में हमारे साथ मिलकर एक बहुत बड़ी सेना को परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। आई एम रेडी ग्रुप, एनके ग्रुप, ऐसे बहुत सारे ग्रुप में जो लोग हैं, सबको याद करके परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। सब्जेक्ट में आते हैं, ठीक है। आज के दिन परमेश्वर आपको जो अद्भुत सा भविष्यवाणी का वचन लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय और 40वां वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लूका 2:40, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर बताया गया है, उसमें एक विशेष रूप से आज विशेष रूप से आपकी ओर आने वाला मालूम शब्द क्या है, बाइबल बताती है वह ज्ञान से बुद्धि से परिपूर्ण होता। ज्ञान, बुद्धि, ज्ञान में दो तरह की हैं, इस दुनिया का ज्ञान और ऊपर से स्वर्ग से आने वाली बुद्धि, पवित्र आत्मा की ओर से आने वाली या ज्ञान की आत्मा। यीशु जब बढ़ता गया वह बुद्धि से ज्ञान से परिपूर्ण होता गया, इसलिए कहते हैं ज्ञान से भरा हुआ। परमेश्वर के अभिषेक से वो डिवाइन विजडम है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, हे प्रभु मुझे और इस ज्ञान से भरपूर कर, परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर के वचन को और पढ़ने के लिए, अन्य भाषा में बोलकर उसका व्याख्या करने के लिए, हे परमेश्वर मुझे और ज्ञान से भरपूर कर। वचन को जब मैं पढूं तो उसमें परमेश्वर के सामर्थ भरे प्रकटन है, उसे समझकर दूसरों को सिखाने लायक ज्ञान से मुझे भरपूर कर। दुनिया के लोगों से जब मैं मिलता हूं, जब मैं उनके बीच में रहता हूं, बेकार के शत्रुओं के जालों में न फंसने लायक मुझे ज्ञान दे परमेश्वर। धोखे में जो लोग रखते हैं उनको मैं जानने पाऊं, आइडेंटिफाई कर लूं, झूठे भविष्यताओं को मैं आइडेंटिफाई करूं, हे परमेश्वर गवाही बनकर आखिरी दिन तक एक युद्ध वीर के रूप में रहने के लिए दैविक ज्ञान मुझे चाहिए। हे परमेश्वर तेरे अभिषेक से मुझे भरपूर कर, एक दैविक ज्ञान मुझे दे दीजिए। आप ऐसा पूछते रहिए, मांगते रहिए, वह आपको देगा। हे परमेश्वर आप जब बढ़े तो ज्ञान में परिपूर्ण होते रहे, उसी तरह मुझे भी तू ज्ञान देने वाला है, इसलिए तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ऐसा कहकर अच्छी तरह परमेश्वर की स्तुति करते करते वह ज्ञान से भरपूर करने वाली आत्मा आपको देता रहेगा, आप परिपूर्ण होते रहोगे। आप कह सकते हो मेरे बच्चे अच्छा ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली को चलाने के लिए अच्छा ज्ञान नहीं है, कुछ भी करने के लिए मेरे पास अच्छा ज्ञान नहीं है। ऐसे निराश मत होइए, हम प्रार्थना करते हैं अभी, परमेश्वर अनुग्रह अभी आपको देगा। हमारे प्यारे पवित्र परमेश्वर, ज्ञान की आत्मा तेरे बच्चों के ऊपर उतरने लगे। उस दिन मूसा ने जब हाथ उठाया और यहोशू के ऊपर रखा तो ज्ञान की आत्मा से तूने भरपूर किया, उसी तरह तेरे बच्चों को तू ज्ञान की आत्मा से भरपूर करने वाला, इसलिए तेरी स्तुति हो। आज के दिन एक अंतर को तेरे बच्चे देखने पाए, उनके बच्चे, उनके नाती पोते, सभी लोगों को ज्ञान से भरपूर कर।
भरपूर मात्रा में ज्ञान के अभिषेक से भरपूर मात्रा में चलते रहे। यीशु मसीह के हम नाम से मांगते हैं, आमीन। जरूर से शेयर करें, हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों को जरूर शेयर करें। इसे डबिंग करके हम भेज रहे हैं, इसलिए बहुत सारे हिंदी स्पीकिंग पीपल को उद्धार के लिए आप भेजते रहिए, ठीक है? फिर मिलेंगे, गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299542636 ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दें।